हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे स्टोरी के थ्रू, एंड समझना भी सिखाएंगे कि कैसे आप समझेंगे स्टोरी के थ्रू। स्मॉल स्टोरी है जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ये जो आपको आवाज़ आ रही है, आज नागपंचमी है जिस कारण से आवाज़ आ रही है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। और आज फेस्टिवल है, फिर भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम पढ़ाने के प्रति कितना पैशनेट हैं। इसीलिए आपको भी पढ़ने के प्रति पैशनेट होना चाहिए, यानी आपको पढ़ने के प्रति लगनशील रहना है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। वन डे, एक दिन, अकबर थ्रू अ चैलेंज एट बीरबल। अकबर ने थ्रू का अर्थ होता है फेंका या दिया, अ चैलेंज, एक चैलेंज दिया यानी चुनौती दिया, किसको? गोपाल को, यानी एट गोपाल, गोपाल को दिया। ही सेड, उसने कहा, यानी एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चैलेंज देते हुए कहा, ब्रिंग टू पर्सन टू द कोर्ट, यानी दो व्यक्ति को ले आओ कल, टुमोरो मीन्स कल, कहाँ? कोर्ट में, इन कोर्ट। इसका मतलब यह है, एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि हम तुम्हें एक चैलेंज देते हैं, चैलेंज यह है कि तुम्हें दो व्यक्ति को कोर्ट में लाना है कल, कोर्ट में लाना है कल। तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए ये जानिए। द फर्स्ट शुड बी एक्सट्रीमली, इसको आपको एक्सट्रीमली पढ़ना है, और इसका अर्थ होता है अत्यंत, क्या? अत्यंत, एक्सट्रीमली, यानी जो पहला व्यक्ति है, दोनों में से पहला व्यक्ति एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड लॉयल, एंड द सेकेंड शुड बी द एग्जैक्ट अपोजिट। तो अकबर ने क्या शर्त रखा, कहा कि ग्रेटफुल एंड लॉयल होना चाहिए। पहला व्यक्ति क्या, कैसा होना चाहिए? ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ होना चाहिए, ठीक है, एंड लॉयल यानी वफादार होना चाहिए। आप जानते हैं कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ, जैसे आप मान लीजिए आपका किसी ने कोई काम कर दिया, सपोज मान लेते हैं आपने किसी से पानी मांगा कि एक गिलास पानी दे दो, तो उसने आकर के आपको पानी दे दिया, तो जो आपकी मदद किया आप उसके बदले में क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच। तो उसके प्रति आप आभार व्यक्त किए, क्या किए? आभार व्यक्त किए, इसको कहते हैं ग्रेटफुल होना। लॉयल यानी वफादार, आप किसी को धोखा नहीं देते, जैसे माँ बाप को अभी धोखा नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या है उसका? लॉयल है, आप अपने मालिक के प्रति लॉयल है, वफादार है, जो कह रहे हैं आप ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, तो आप लॉयल हुए यानी वफादार। एंड द सेकेंड शुड बी द एग्जैक्ट अपोजिट, और जो सेकेंड पर्सन होगा यानी दूसरा व्यक्ति होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा। मतलब क्या हुआ? ग्रेटफुल नहीं होगा वो व्यक्ति, और ना ही वो लॉयल होगा, वफादार होगा, ठीक है। आगे चलिए और आगे समझते हैं। ही शुड बी एन एक्सट्रीमली अनग्रेटफुल पर्सन हु टेक्स ऑल फेवर फॉर granted and keeps complaining for he can never be satisfied। यहाँ पे है फुल स्टॉप, तो यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपको तोड़ तोड़ करके समझना है, तो चलिए यहाँ से समझते हैं। ही शुड यानी वो, उन्हें चाहिए, उसे चाहिए, बी एन एक्सट्रीमली मतलब कैसा होना चाहिए? अत्यंत अनग्रेटफुल का अर्थ होता है अकृतज्ञ, यानी कभी भी वो उसके मुंह से एक भी शब्द थैंक यू, धन्यवाद नहीं निकला, और हमेशा कंप्लेन ही करते रहा, ऐसे व्यक्ति उसके लिए। हु टेक्स ऑल फेवर्स फॉर, यदि मान लीजिए, हु टेक्स का मतलब वो व्यक्ति है जिसके लिए आपने फेवर किया, फेवर मतलब उसका आपने मदद किया, उसका आपने काम किया, जिसे उसने लिया, टेक मतलब उसने लिया, फिर भी फॉर ग्रांटेड उसने दिया क्या? कंप्लेनिंग एंड किप्स कंप्लेनिंग, उसने क्या किया आपका? कंप्लेन किया यानी शिकायत किया। देखिए कितना अजीब इंसान है, सबसे पहले तो आपने उसका फेवर किया, आपने उसकी मदद किया, आपने उसका काम किया, फिर भी वो क्या कर रहा है? कंप्लेन कर रहा है। वो क्या दे रहा है आपको? ग्रांटेड यानी दे रहा है, दिया, ग्रांटेड, कंप्लेनिंग। फॉर ही कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, और किसके लिए? फॉर मतलब किसके लिए, तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, जो आपने उसे किया है, जो आपने उसके लिए किया है उससे कभी वो संतुष्ट नहीं होता। तो अभी आप समझिए इसको,
बिरबल को जो चैलेंज मिला है, पहला चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज यह है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए यानी कृतज्ञ होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जस्ट इसके अपोजिट होना चाहिए यानी कृतज्ञ और लॉयल दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चैलेंज है। उसके बाद चलिए यहाँ तक तो हो गया सर्टिफाइड। ऑल द कोर्टियर्स थॉट दैट दिस वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चैलेंज एंड बिरबल वुड नॉट बी एबल टू विन दिस। यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे खत्म हुआ, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। तो कह रहा है कि द कोर्टियर्स, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके समझते हैं। ऑल द कोर्टियर्स थॉट यानी जितने भी कोर्टियर्स थे, कोर्टियर्स यानी दरबारी गण, जितने भी दरबार में लोग थे वो सभी ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, दैट दिस वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चैलेंज। ये जो चैलेंज दिया है ये बहुत ही कठिन चैलेंज है, बहुत कठिन चैलेंज है, अत्यंत कठिन, जिसे सॉल्व नहीं कर सकता कौन? बिरबल। ऐसा ये लोगों ने सोचा, कोटियर ने सोचा, बिरबल ने नहीं सोचा, आप ये बात याद कर लीजिए। एंड बिरबल वुड नॉट बी एबल टू विन दिस, और कह रहा है कि बिरबल इसको जीतने के योग्य नहीं है यानी सॉल्व नहीं कर पाएगा। वुड का प्रयोग होता ही है गागे के लिए, गागे गी के लिए, एबल मतलब इसके योग है ही नहीं। कोटियर्स को ये लग रहा है कि बिरबल इस चैलेंज को सॉल्व करने योग नहीं है, इसीलिए विन दिस मतलब इस सिचुएशन, ये जो चैलेंज है इसे नहीं जीत पाएगा, ऐसा कोटियर्स सोच रहा है। बट हुआ क्या आगे देखिए, बिरबल स्माइल्ड, बिरबल थोड़ा सा मुस्कुराता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है, एंड सैड, और कहता है एज यू विश। देखिए क्या जवाब दे रहा है, बिरबल थोड़ा सा मुस्कुराया और राजा से कहता है एज यू विश। एज यू विश का अर्थ होता है जैसी आपकी इच्छा, इस बात को आप याद कर लीजिए अभी का भी। एज यू विश का मतलब जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा भी कह लीजिए, ठीक है। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी शब्द का प्रयोग इंग्लिश में महाराज, जब भी आपको राजा को महाराज कहना हो तब आप क्या कहेंगे? योर मैजेस्टी। ऐसा बिरबल ने कहा, योर मैजेस्टी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिरबल बॉट हिज डॉग एंड हिज सन इन लॉ टू द कोर्ट। फुल स्टॉप है, यहाँ पे खत्म हो गया सेंटेंस। तो कह रहा है कि नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, बिरबल बॉट मतलब लाया, ठीक है, हिज डॉग, किसको लाया? अपने कुत्ते को लाया, एंड हिज सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब क्या होता है आप लिखिए, ठीक है, सन इन लॉ का अर्थ होता है दामाद। दो चीजें लाया उन्होंने, एक तो अपने कुत्ते को लाया और अपने एक सन इन लॉ यानी दामाद को लाया टू द कोर्ट। कहाँ लाया? टू द कोर्ट। ही पॉइंटेड टूवर्ड्स हिज डॉग एंड सैड, पॉइंटेड का अर्थ होता है इशारा करना, आपने क्या किया? इशारा किया, यानी बिरबल ने क्या किया? इशारा किया। टुवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, कुत्ते की ओर, हिज डॉग यानी अपनी कुत्ते की ओर इशारा करते हुए बिरबल कहता है, कहा माई डॉग इज ग्रेटफुल एंड फेथफुल, यानी मेरा जो कुत्ता है, माई डॉग इज ग्रेटफुल, ये बहुत ही कृतज्ञ है, अपने काम के प्रति ये आभार व्यक्त करता है, एंड फेथफुल बहुत वफादार है, ये हमारा कभी नुकसान नहीं किया, हमारी रक्षा किया, ऐसा उन्होंने कहा। किसने? बिरबल ने। किनसे कहा? तो राजा से कहा। देन अकबर सैड, उसके बाद, देन मतलब उसके बाद अकबर ने कहा, या कह लीजिए अकबर ने पूछा, या इसका प्रयोग दो सेंस में होता है, एक कहने के सेंस में और दूसरा पूछने के सेंस में, पर यहाँ पर पूछने का सेंस हो रहा है कि अकबर ने पूछा हु इज दिस मैन, जो आगे यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन है, वो व्यक्ति कौन है, हु इज दिस मैन। बिरबल सैड, बिरबल ने कहा ही इज माई सन इन लॉ, ये कौन है? ही इज माई सन इन लॉ, ये मेरा दामाद है, वह मेरा दामाद, यहाँ पे इसका जो मीनिंग होगा ही इज सन इन लॉ, ही इज माई सन इन लॉ, इसका मतलब वह मेरा दामाद है, ऐसा कह रहे हैं बिरबल। ही इज ऑलवेज अनग्रेटफुल, ये हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, अनग्रेटफुल और कृतज्ञ रहता है, एंड किप्स कंप्लेनिंग, हमेशा शिकायत ही करते रहता है, किसी की बेटी शादी करेगा उसकी बेटी उसे तंग करेगा, कंप्लेनिंग करेगा ना, तो बेचारा कंप्लेन कर रहा है, इसकी क्या गलती है, शिकायत कर रहा है। ऑल द कोर्टियर्स रियलाइज्ड, जितने भी कोर्टियर हैं, ऑल मतलब सभी कोर्टियर्स रियलाइज्ड, महसूस किया व्हाई बिरबल वाज अकबर्स फेवरेट,
वाई बिरबल, यानी क्यों बिरबल अकबर का, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कोमा है, तो अकबर का फेवरेट कोटियर, फेवरेट मतलब पसंदीदा कोटियर, क्यों बिरबल अकबर का पसंदीदा कोटियर है, ऐसा सभी सभी कोटियर्स ने रियलाइज यानी महसूस किया। अकबर सैड, अकबर ने कहा बिरबल यू आर रियली अ वेरी वाइज मैन, रियली का मतलब होता है वास्तव में, सच में, ऐसा किसने कहा, अकबर ने कहा कि तुम वास्तव में एक वाइज मैन हो, बुद्धिमान इंसान हो। ही गैव ही मेनी गिफ्ट्स, गिफ्ट यानी उपहार, पुरस्कार कह लीजिए, तो राजा ने बिरबल को बहुत सारे उपहार दिया, क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने इस चैलेंज को सॉल्व कर दिया, और सभी लोगों को लग रहा था कि ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, फिर भी बिरबल ने कर दिखाया। दैट्स ऑल, ये थी आपकी कहानी, और ये कहानी आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए, उसके बाद आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हेल्प मी टू सपोर्ट, एंड दैट्स ऑल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और ये जो आपको आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आज नागपंचमी होने के कारण आज आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए सॉरी, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।